अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है स्पंज टूल के बारे में। स्पंज टूल एग्जैक्टली आपके सामने इस जगह पे आता है, बाकी सब काफ़ी टूल्स हम समझ चुके हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। तो चलें चलते हैं अपने क्लास की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल मैं ये दो एग्जांपल ले लेता हूं और इसको ड्रैग करके फोटोशॉप पे ले आता हूं। अपने स्पंज टूल पे जाते हैं। स्पंज टूल ये एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना कंट्रोल जे करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कंट्रोल जे जो ही मैंने किया कंट्रोल जे, तो इसकी कॉपी निकल आई मेरे सामने। मैंने कंट्रोल जे करके कॉपी ले ली। अब मैं स्पंज टूल की इस टूल मेन्यू बार की तरफ जाता हूँ। ये सेम टू सेम उसी तरह इफेक्ट करता है जैसे कि पुराने टूल्स इफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बोले दो टूल्स में आपको समझाया, जो डॉज टूल है वो लाइटिंग करने के लिए यूज़ होता है, और जो बर्न टूल है लाइट से डार्क की तरफ यूज़ होता है। तो स्पंज टूल किस लिए यूज़ होता है कि आपके पास ये दो मोड्स आ रहे होते हैं, एक आता है सैचुरेट और एक आता है डीसैचुरेट। सैचुरेट किस लिए यूज़ होता है कि आपने ज़्यादा कलर्स करने के लिए या ब्राइटनेस करने के लिए इसको सैचुरेट को यूज़ करते हैं। सैचुरेट का इफेक्ट किस तरह आएगा, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको 100 फ्लो पर रख देता हूँ, वाइब्रेट सेलेक्ट करके इस तरह मूवमेंट करता हूँ। ये देखें इसका कलर ज़्यादा होता जा रहा है, इसके फेस पे भी थोड़ा लाइट कलर आती जा रही है, और ये सैचुरेशन का इफेक्ट है। ये देखें इसमें सैचुरेशन का इफेक्ट आ रहा है, और ज़बरदस्त क्या थी पिक्चर और हमने क्या बना दिया, कितना ज़बरदस्त इफेक्ट दे दिया। ये सब सैचुरेशन कम कमाल है। ये सैचुरेट इफेक्ट जो हमारे सामने आ रहा है, इसके फ्लो को भी हम चेंज करके आगे पीछे कर सकते हैं। कंट्रोल जे करके एक और कॉपी लेके ऊपर रख लेता हूँ। जब मैं इसका फ्लो कम करूँगा तो इसका फ्लो कम हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त इफेक्ट आ रहा है। सैचुरेशन का मतलब कि आपने लाइट ज़्यादा देनी है और कलर्स को डार्कनेस करने के लिए सैचुरेशन को यूज़ करेंगे स्पंज टूल पे। तो डिसैचुरेट किस लिए यूज़ होता है, मैं एक और इमेज में चला जाता हूँ। हम लोग कई बार कुछ इमेजेस देखते हैं जो कि कुछ एरिया ब्लैक होता है और कुछ एरिया कलर्ड होता है। ब्लैक एरिया करने के लिए किसी चीज़ को हम लोग अक्सर औकात स्पंज टूल भी यूज़ करते हैं। इसको मैं फुल कर लूँगा और डिसैचुरेट पर क्लिक कर दूँगा। कंट्रोल जे करके कॉपी ले लूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि लड़की सिर्फ जो है ना ब्लैक एंड वाइट हो जाए, बाकी कलर्ड उसी तरह रहे। इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं कि कलर्ड में भी इसका ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट आ गया। जितना भी हम करना चाहें ब्लैक एंड वाइट इसको कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है ये है कि कितने प्रेशर से आपने करना है। अगर आपके पास टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी चॉइस है। इसको सही तरह मूव करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा। ओरिजिनल मैं आपको दिखाऊं तो ये थी, और ये हमने इसका इफेक्ट कर दिया। और भी थोड़ा सा करेंगे तो ये हो जाएगा। जस्ट लेफ़्ट क्लिक करके आपने ड्रैग करना है और वो चीज़ ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। एग्जैक्ट एरिया जो चीज़ आप चाहेंगे, आप सिर्फ फेस चाहें वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल जे करके एक और कॉपी ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ फेस मेरा वो ब्लैक एंड वाइट हो, तो जस्ट फेस पर आप इस तरह सेलेक्ट करके इस तरह करेंगे तो सिर्फ फेस आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी क्लास। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जवाद यूनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।